हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स अंडर 2500 रुपीज़। और हमेशा की तरह रैंकिंग बेस्ड रहेगी प्लेयर सर्वे, सेल्स और पॉपुलैरिटी पे। और आज का रैकेट नंबर 5 है यंग फ्यूरी 17। फ्रेम और शाफ्ट बने हैं 24 टन हाई मॉडुलस ग्रेफाइट ऑफ जापान से। वेट है 83 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक ग्रिप के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबल। स्ट्रिंग टेंशन रेंज है 20 से 28 LBs। लेकिन यंग से जब हमने पूछा तो पता चला कि 30 LBs तक भी आप इसको ले जा सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। वहीं इसका बैलेंस पॉइंट है 290 mm प्लस माइनस 5 mm। हेड बैलेंस है, मेड इन मलेशिया है और अवेलेबल हो जाता है 2100 या 2200 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, और लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 4U कैटेगरी का रैकेट है, फ्लेक्सिबल है, हेड बैलेंस है, तो पावर जनरेशन में और थर्ड लाइन क्लियर में मुझे कमी नहीं लगी। लेकिन फ्लेक्सिबल ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार मुझे इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज लगी। वहीं नेट के आसपास गेम जो था वो एवरेज था, लेकिन मिड ऑफ द कोर्ट में गेम जो था वो एवरेज से थोड़ा बेटर था। रैकेट नंबर 4 है एपेक्स जेड जिगलर। काफ़ी पॉपुलर रैकेट है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो देखिए, फ्रेम शाफ्ट दोनों 30 टन हाई मॉडुलस ग्रेफाइट ऑफ जापान से बने हैं और वहीं जो वेट है वो है 85 ग्राम्स प्लस माइनस 2-3 ग्राम्स। कैटेगरी है 4U G2। और अगर हम बात करें इसकी स्ट्रिंग टेंशन की तो वो है, हम जानते हैं, 38 LBs इसकी मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है। शाफ्ट की बात करें तो अल्ट्रा स्लिम शाफ्ट है, 6.4 से 6.8 मिलीमीटर स्लिम इसकी शाफ्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स है, 8.5 से 9 का स्कोर आता है। वहीं लेंथ है 672 मिलीमीटर और बैलेंस पॉइंट है 290 मिलीमीटर प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर टूवर्ड्स द हेड, लेकिन स्लाइटली हेड हैवी है। प्राइस की बात करें तो 2200 रुपीज़ ऑनवर्ड शुरू हो जाता है ऑनलाइन, ऑफलाइन। परफॉर्मेंस की बात करें तो 4U कैटेगरी, स्लाइटली हेड हैवी, मीडियम फ्लेक्स है, इसका मतलब थर्ड लाइन क्लियर स्मैशेस में कोई कमी नहीं है और उसी रीजन से नेट के आसपास और सेंटर ऑफ द कोर्ट भी गेम जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और ये रैकेट जो है इंटरमीडिएट प्लस से एडवांस लेवल का रैकेट है, तो अगर आप बहुत ही बैलेंस्ड प्लेयर हैं, मतलब मिक्स ऑफ एवरीथिंग अगर आप करते हैं अपनी गेम में, तो ये रैकेट आपके लिए है। लेकिन अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत स्मैशेस लगाते हैं, तो ये रैकेट शायद आपके लिए नहीं है। बात करें कैटेगरी की तो जैसे मैंने आपको बताया, उस हिसाब से सिंगल्स और डबल्स किसी भी तरह के आप प्लेयर हो, ये रैकेट आपको सूट करेगा। और रैकेट नंबर 3 है योनेक्स आर्क शेबस 71 लाइट। फ्रेम और शाफ्ट दोनों हाई मॉडुलस ग्रेफाइट से बने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम फ्लेक्स से फ्लेक्सिबल के बीच की है। वेट कैटेगरी की बात करें तो 79-78 ग्राम्स है इसका वेट। 5U G4 G5 दोनों ग्रिप्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। वहीं लेंथ है 675 mm प्लस माइनस 2-3 mm। मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन रेंज है 22 से 30 LBs। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 290 mm है। हेडलाइट से इवन बैलेंस के बीच का ये रैकेट है और मेड इन चाइना ये रैकेट मिल जाता है। और आपको प्राइस जो है वो है 2100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, और लेटेस्ट लिंक में नीचे शेयर कर दूंगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, 5U रैकेट है, हेडलाइट है, वहीं नेट के आसपास और सेंटर ऑफ द कोर्ट में इस रैकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कंट्रोल इस रैकेट का एकदम टॉप नॉच है। वहीं थर्ड लाइन क्लियर और स्मैशेस जो है उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि हेडलाइट है ये रैकेट। और अगर हम बात करें कैटेगरी की, सिंगल्स या डबल्स, तो देखिए अगर डबल कैटेगरी की बात करें तो डबल प्लेयर्स के लिए तो ये रैकेट जो है बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन सिंगल्स में अगर आप खेलना ही चाहते हैं इसी रैकेट से, तो मैं कहूँगा कि आप हाई रिपल्शन स्ट्रिंग्स डालें जिससे पावर और एफर्ट थोड़ा जनरेट करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप मुझसे फिर भी सलाह पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अगर आप इसे थोड़ा डबल्स की तरफ रखें तो ये रैकेट बेहतर रहेगा। और रैकेट नंबर 2 पे अब की बार एक नया रैकेट है और वो है लीनिंग G4 Superlite 3900। फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं अल्ट्रा हाई कार्बन ग्रेफाइट से। शाफ्ट की बात करें तो स्लिम शाफ्ट है 7 mm पे। वेट कैटेगरी है 79 ग्राम्स प्लस माइनस 2-3 ग्राम्स और ग्रिप है S2। स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो 22 से 32 LBs इसकी रेंज है। मीडियम फ्लेक्स है ये रैकेट और बैलेंस पॉइंट है 296 mm प्लस माइनस 2 mm टूवर्ड्स द हेड। हेड हैवी है ये रैकेट, मेड इन चाइना। प्राइस की बात करें 2100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, लेटेस्ट लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, 79 ग्राम्स है इसका वेट स्ट्रिंग्स डालने के बाद, और मिनिमम अगर आप हल्की से हल्की ग्रिप भी डालेंगे 5 से 6 ग्राम की, तो रैकेट का वेट कुछ 90 ग्राम्स हो जाएगा। वहीं आपको
हेड हैवी मिलता है, मीडियम फ्लेक्स मिलता है, इसका मतलब थर्ड लाइन क्लियर और स्मैशेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहीं उसी रीज़न से नेट के आसपास और मिड ऑफ द कोर्ट इस रैकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और कंट्रोल इस रैकेट का मुझे बहुत अच्छा लगा। कैटेगरी की बात करें तो देखिए डबल्स के लिए रैकेट तो बहुत अच्छा है, इसके कंट्रोल, इसका डिफेंस जो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस डबल्स में इस रैकेट की बहुत अच्छी है। सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स में भी रैकेट बिल्कुल सही परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है और नया कंटेंट लाने की इच्छा बनी रहती है। और रैकेट नंबर 1 की पोजीशन पे अभी तक डटा हुआ योनिक्स एस्ट्रोक्स लाइट 27i। फ्रेम और शाफ्ट बने हाई मॉडुलस ग्रेफाइट ऑफ जापान से। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल से मीडियम फ्लेक्स के बीच में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं स्लिम शाफ्ट है और वेट कैटेगरी है 5U G4। और डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स और डिफॉल्ट योनिक्स की ग्रिप के साथ वेट है 86 grams। लेंथ की बात करें तो 675 mm प्लस माइनस 2 mm। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 30 lbs और रेंज है 22 से 30 lbs। बैलेंस पॉइंट है 300 mm टूवर्ड्स द हेड। हेड हैवी है ये रैकेट, मेड इन चाइना, और प्राइस जो है वो 2100 rupees ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए अभी 86 grams है और मिनिमम 5 से 6 gram की अगर आप ग्रिप भी डालते हैं तो 92 grams के आसपास इसका वेट हो जाता है। वहीं आपको मिड फ्लेक्स से फ्लेक्सिबल की शाफ्ट मिलती है, ट्रू हेड हैवी मिलता है, इसका मतलब आपको इतनी पावर मिलती है कि आप स्मैशेज और थर्ड लाइन क्लियर आराम से कर सकते हैं। और वहीं उसी रीज़न से, इसी कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशन की वजह से नेट के आसपास और मिड ऑफ द कोर्ट में आपको इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही एम्पल मिलती है। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस रैकेट की जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बात करें इस कैटेगरी की तो सिंगल्स हो या डबल्स, ये रैकेट दोनों कैटेगरी और सब तरह की गेम स्टाइल को सूट करेगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी लिस्ट और मैं जानता हूँ काफ़ी लोग अग्री करेंगे, काफ़ी लोग डिसअग्री करेंगे। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस या क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर मैं जवाब दूंगा। Until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos and have a great day.